हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आईपीएल 2021 के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम के अंदर 23 अप्रैल को रात के 7:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। अगर मैं आपसे बात करता हूँ हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो जो पिछले 5 मुकाबले खेले गए दोनों टीमों के बीच में, वहाँ पे 3 बार जीत मिली मुंबई की टीम को और 2 बार जीत मिली है पंजाब की टीम को। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ आपको आईपीएल के सारे मुकाबलों की टीम मिलेगी। उसके अलावा श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, आपको सारी टीम मिलने वाली टेलीग्राम के ऊपर। आपको सिर्फ सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप, वरना आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और आप इस मुकाबले की फैंटेसी टीम बना सकते हो फैन टू प्ले के ऊपर। यहाँ पे आपको काफी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको आईपीएल के सारे मुकाबलों के अंदर एक फ्री एंट्री मिलने वाली है। दूसरी बात, आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर 200% का कैश बोनस मिलने वाला है। तीसरी बात, आप यहां पे 2, 3 या 4 प्लेयरों की टीम बना के भी फैंटेसी खेल सकते हो और पैसा कमा सकते हो। आपको ये फीचर और किसी फैंटेसी एप्लीकेशन के अंदर नहीं मिलने वाला। साथ ही में यहां पे क्रेडिट की कोई समस्या नहीं आती, आप यहां पे सारे प्लेयर्स को ले पाओगे। तो किस बात का वेट कर रहे हो? आपको स्क्रीन के ऊपर रेफर कोड दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रेफर कोड डालने से आपको बोनस कैश मिलने वाला है। आपको साइन अप करते हुए लेफ्ट कॉर्नर में ऑप्शन दिखेगा रेफर कोड का, आपको जल्दी से रजिस्टर कर लेना है और विनिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। और इस मुकाबले की फैन टू प्ले की टीम स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। अगर मैं आपसे बात करता हूं चेन्नई की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो ये मैदान बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है बल्लेबाजी के लिए। बॉल काफ़ी रुक रुक कर आता है, तेज गेंदबाज भी स्लो बॉल डालेंगे और स्पिनर्स अच्छा रोल प्ले करेंगे इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं बात करता हूं पंजाब की टीम के बारे में, जो कि अपने 4 में से 3 मुकाबले हार चुकी है। और पिछले मुकाबले में इस मैदान के ऊपर इनकी बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। शाहरुख खान ने कुछ काफ़ी अच्छी पारियां खेली इस टीम के लिए। नंबर 6 पे शाहरुख खान वापस से एक बहुत ही बड़े प्लेयर होने वाले हैं। और नंबर 4 के ऊपर दीपक हुड्डा भी काफी जबरदस्त खेल रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट काफी शानदार है। तो दीपक हुड्डा और शाहरुख खान, इन दोनों ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी है। केएल राहुल को कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, वो सबसे अच्छे बल्लेबाज है। उम्मीद करते हैं इस मुकाबले के अंदर वो एक स्टेबल पारी खेलेंगे। और मयंक अग्रवाल काफी अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, बस उनको बड़ी पारियां खेलनी पड़ेगी इस मुकाबले के अंदर। अगर मैं बात कर लेता हूं गेंदबाज के बारे में, तो अर्शदीप सिंह ने सबसे अच्छी गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट निकाले इस टीम के लिए। उनकी लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग काफी शानदार है। उसके अलावा फेबन एलन को भी पिछले मुकाबले के अंदर विकेट मिला, वो काफी अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। लेकिन उनके अलावा ये पूरी की पूरी टीम फ्लॉप हो चुकी है और इनको प्लेइंग 11 में बदलाव करने पड़ेंगे इस मुकाबले के अंदर। डेविड मलान को यह मुकाबला खेलना चाहिए, मलान एक काफी स्किल्ड प्लेयर, उम्मीद करते हैं वो गेल को रिप्लेस करेंगे। गेल काफी खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैदान के ऊपर। साथ ही में क्रिस जॉर्डन को भी टीम में आना चाहिए, जॉर्डन इस पिच के ऊपर काफी कमाल की गेंदबाजी कर सकते हैं, उनकी कटर्स काफी शानदार रहती है। तो पंजाब के लिए ओपन कर सकते हैं केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, नंबर 3 पे डेविड मलान, नंबर 4 पे दीपक हुड्डा, नंबर 5 पे निकोलस पूरन, नंबर 6 पे शाहरुख खान, नंबर 7 पे फेबन एलन, फिर क्रिस जॉर्डन, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और मुरुगन अश्विन। जरूर से एक बड़ा मुकाबला है पंजाब के लिए, इनको प्लेइंग 11 में बदलाव करने पड़ेंगे और अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा इस मुकाबले के अंदर। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं मुंबई इंडियंस के बारे में, जो कि अपने 4 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है। और ये टीम पिछली बार की तरह बिल्कुल फॉर्म में लग नहीं रही है। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा ने कुछ काफी अच्छी पारी खेली इस टीम के लिए, हालांकि वो स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, रोहित को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव भी काफी अच्छे फॉर्म में दिखे हैं नंबर 3 के ऊपर। लेकिन इन दोनों के अलावा इनकी पूरी
बल्लेबाजी फ्लॉप रही है। ईशान किशन, क्विंटन डीकॉक, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ये सारे के सारे बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। लगातार 4 मुकाबले के अंदर लोग फ्लॉप हो चुके हैं। पिछली बारी बहुत ही कमाल खेले, लेकिन मुंबई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनकी वीकनेस बन चुकी। मुंबई को जरूर से ध्यान रखना पड़ेगा इन 4-5 प्लेयर्स के बारे में। गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। राहुल चेहर 8 विकेट निकाल चुके हैं। पिच के ऊपर चेहर की गेंदबाजी काफी शानदार रही है। बोल्ट को भी 6 विकेट मिल चुके हैं। काफी अच्छी डेथ ओवर्स की बॉलिंग है बोल्ट की, वो विकेट निकाल के दे रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को भले 4 विकेट मिले हो, लेकिन बुमराह की इकोनॉमी काफी शानदार रही है। तो मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी बहुत ही अच्छी खेली है, लेकिन बल्लेबाजी का पूरी तरह से मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि सारे बड़े बल्लेबाज अच्छा खेलेंगे इस मुकाबले में। तो मुंबई के लिए ओपन करेंगे रोहित शर्मा और क्विंटन डीकॉक, नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पे ईशान किशन, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे कायरन पोलार्ड, नंबर 7 पे कृणाल पांड्या, फिर जयंत यादव, राहुल चेहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। जरूर से एक बड़ा मुकाबला मुंबई के लिए, इनके मिडिल ऑर्डर को अच्छा खेलना पड़ेगा इस मुकाबले में। आप कमेंट करके बताओ मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी मुंबई, वो टीम होगी पंजाब, बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली क्वेश्चन के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले के अंदर पड़ला भारी रहेगा मुंबई इंडियंस की टीम का। मुंबई की टीम काफी टाइम से इस मैदान पे खेल रही है और उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी है, इसमें से मेरे को लगता है कि मुंबई मुकाबला जीतेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।